लोकायुक्त की शिकायत के बाद मायावती ने अपने दो मंत्रियों को उनके पदों से हटा दिया है, लेकिन इस लाइन में अभी काफी और भी हैं और अब तक कुल 10 दागी अपने साथियों को मायावती अपने से अलग कर चुकी हैं क्योंकि उन्हें चिंता है चुनाव की। मायावती के दो और मंत्रियों पर गिरी गाज, लोकायुक्त की सिफारिश पर बहन जी ने दो मंत्रियों को किया बर्खास्त। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से बुधवार को बहन जी ने पहले छीनी उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री बादशाह सिंह की कुर्सी। उसके बाद बारी आई माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र की। आरोप, आय से अधिक संपत्ति। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस एन के मल्होत्रा ने माया के इन दोनों मंत्रियों को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति जुटाने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। 2007 से अब तक 15 मंत्री विधायक सत्ताधारी सरकार के इनके खिलाफ परिवाद मुझे प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में 4 मंत्रियों के खिलाफ मामले लंबित हैं। जस्टिस मल्होत्रा ने इन दागी मंत्रियों को बर्खास्त करने के साथ साथ इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की भी सिफारिश की है। इधर लोकायुक्त की रिपोर्ट आई और उधर मुख्यमंत्री मायावती ने दोनों दागी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश के दागी मंत्रियों को माया के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इससे पहले भी माया के कई दबंग और बाहुबली मंत्री अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। इनमें शामिल हैं पूर्व पशुपालन मंत्री अवधपाल सिंह, पूर्व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री राकेश धर त्रिपाठी, पूर्व परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आनंद सेन यादव और फिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन राम मोहन गर्ग। मतलब ये है कि दागी मंत्रियों और विधायकों के चक्रव्यूह में घिरी हुई थी मुख्यमंत्री मायावती। दागी नेताओं की इस फहरिस्त में अभी ऐसे कई नाम हैं जिन पर फैसला होना बाकी है, उन पर जांच की तलवार भी लटक रही है। भ्रष्टाचार से संबंधित, जमीनों पर कब्जे से संबंधित और पुलिस पर अनैतिक प्रभाव डालने से संबंधित आरोप थे जो साबित हुए थे अपने संबंधियों को फायदा पहुंचाने वाले। उसमें मैंने काफी संस्तुतियां की थी। एक संस्तुति उसमें उनको मंत्री पद से हटाने की थी, वो स्वीकार हुई, मंत्री पद से हटा दिए गए। बाकी संस्तुतियों पर क्या कार्रवाई हुई मुझे कोई सूचना नहीं है। माया सरकार में मंत्री ही नहीं BSP नेताओं ने भी जमकर तांडव मचाया है। माया सरकार में एक के बाद एक विधायकों और सांसदों पर भ्रष्टाचार, हत्या और बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं। BSP सांसद उमाकांत यादव और पहले ही नप चुके हैं। इनके अलावा MLA जितेंद्र सिंह बबलू, हाजी याकूब कुरैशी, योगेंद्र सागर, अशोक चंदेल, भगवान शर्मा, जमुना निषाद, शेखर तिवारी और पुरुषोत्तम द्विवेदी को भी बहन मायावती पार्टी से सस्पेंड कर चुकी हैं। मतलब साफ है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अपनी छवि पाक साफ साबित करने में जुटी बहन मायावती कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। चल गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर जैसे नारे के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी छवि को बचाए रखने की है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि इस चुनाव में उन्हें जनता को यह जवाब देना होगा कि इतने सारे दागी एक साथ इतने साल तक आखिर पार्टी में कर क्या रहे थे। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज 24।